9th स्टैंडर्ड 4th चैप्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल प्रैक्टिस सेट 4.2 कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड सच दैट वाई जेड 7.4 एंगल एक्स वाई जेड 45 डिग्री एंड एक्स वाई माइनस एक्स जेड 2.7। देखो हमने 4.1 में जो किया था वो यहाँ पे प्लस था, एडिशन वाले सम थे और ये माइनस वाले सम से, यहाँ माइनस साइन है ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले सम से सब्ट्रैक्शन, ऑलराइट। अब इसमें जो माइनस वाले सम्स है उसमें देयर आर टू टाइप्स, तो क्या है दो टाइप्स जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन फर्स्ट, मैं रफ फिगर बनाता हूँ नोटबुक में। सो मैंने रफ ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ट्राइंगल का नाम है एक्स वाई जेड, एंगल वाई है 45 डिग्री और वाई जेड दिया है 7.4 ठीक है। नेक्स्ट माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड दिया है 2.7, एक कंडीशन दिया है जिसके हिसाब से एक्स वाई माइनस एक्स जेड, देखो एक्स वाई लेफ्ट साइड है और एक्स जेड राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड 2.7 है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड से एक्स वाई माइनस, देखो या फिर ये नहीं लिखना है तो भी चलेगा बट ये याद रखो लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड दिया है तो आर्क अपर साइड पे कटेगा और पूरा फिगर अपर बनेगा ठीक है, याद रखो बस के लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन राइट साइड, लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड दिया है। तो लेट अस ड्रॉ, सबसे पहले हम लोग बेस बनाएंगे वाई जेड, कितना दिया है बेस वाई जेड 7.4। सो मैंने स्केल लिया है 0 से लेके 7.1234 जीरो टू 7.4 सेंटीमीटर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ऑलराइट, और उसका नाम है वाई जेड। आफ्टर दैट एंगल वाई कितना दिया है 45 डिग्री, तो मैं डी ले रहा हूँ उसके लिए डी, और वाई पे 45 डिग्री में मेजर करना है ठीक है। नेक्स्ट वाई पे वी आर टेकिंग 45 डिग्री, सो यू कैन सी 45 डिग्री एक्यूट एंगल रहता है यानी लेस देन 90, सो हियर इज 45 डिग्री, मैंने 45 डिग्री मार्क किया 40 के बाद 45 एक्यूट एंगल, और मैं उसको अभी इससे ज्वाइन कर रहा हूँ, एक लंबी सी लॉन्ग रे बनानी है मुझे ऑलराइट। सो दिस इज माय वाई जेड और ये एंगल मैंने ड्रॉ किया 45 डिग्री का। नेक्स्ट एक्स वाई माइनस एक्स जेड कितना दिया है 2.7, तो मैं पॉइंटर पे 2.7 सेंटीमीटर मेजर करूंगा 2.7, तो यू ऑल कैन सी ये 2.7 2.6 2.7 से 0 तक 0 टू 2.7 ऑलराइट, मैंने मेजर किया 2.7, मैं वाई पे रख के आर्क काटूंगा आर्क ऑलराइट, 2.7 मैंने मेजर किया और पॉइंट पे रख कर मेरा शायद पेंसिल गिर कर थोड़ा सा उसका डबल वो आ रहा है ठीक है, डबल शेड आ रहा है नो वरी, 2.7 ऊपर वाला कंसिडर करेंगे, ये मैंने 2.7 का एक आर्क काटा है। इसको हम लोग कुछ भी नेमिंग देंगे, सपोज एम कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं, ए बी एक्स को छोड़कर आप कुछ भी नेमिंग देख सकते हो एक्स वाई जेड को, क्योंकि वाई जेड ऑलरेडी आ गया और एक्स नहीं देना है, बाकी आप अल्फ़ाबेट्स में कुछ भी नेमिंग दे सकते हो, सपोज एम एम, सो दिस इज माई एम, अभी मैं एम को जेड से ज्वाइन करूँगा, एम और जेड को ज्वाइन करूँगा ठीक है। नाउ आई हैव ड्रॉन एम जेड, नेक्स्ट एम जेड का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एम जेड का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, सो उसके लिए जेड पे रखूंगा मैं पॉइंटर को, पेंसिल को मोर देन हाफ ओपन करूंगा, मोर देन हाफ एक आग इधर और एक आग ये साइड पे ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं एम पे रखूंगा राइट, और एक आग इधर बिना चेंज किया गैप, तो यहाँ पे मेरा आग नहीं कट रहा है तो इसलिए मैंने वापस जेड पे रखा और इसको बड़ा किया थोड़ा सा। नाउ आई गॉट द क्रॉस, जहाँ पर आर्क मिल रहा है उसको मैं स्पॉट करूँगा और स्केल से दोनों पॉइंट को जॉइन करूँगा और आगे तक एक्सटेंड करूँगा ठीक है। आप देख सकते हो तो ये दोनों पॉइंट को मैंने अलाइन किया और एक साथ लिया है और मैं आगे तक उसको जॉइन कर रहा हूँ जहाँ पर ये दो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ठीक है, मैंने आगे तक ड्रॉ किया। अब जहाँ पे मेरी ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पर मेरी ये दो रे इंटरसेक्ट हो रही है, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यही है मेरा पॉइंट एक्स, दिस इज माय एक्स
ये मेरा पॉइंट एक्स है, एक्स को मैं जेड से ज्वाइन कर दूंगा और बाय दैट आई हैव फिनिश द सम और मेरा ट्राइंगल मिल गया एक्स वाई जेड। ठीक है, मैंने एम जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एम जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वाई एम की जो एक्सटेंडेड लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वही पॉइंट है एक्स, और फिर वह एक्स को जेड से ज्वाइन कर दिया। सो सेकेंड क्वेश्चन, रफ फिगर है ट्राइंगल पी क्यू आर नाम का, एंगल क्यू 40 डिग्री दिया है, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर दिया है। एंगल क्यू 40 डिग्री दिया है, वैसे बुक में 60 डिग्री दिया है लेकिन करेक्शन करके 40 डिग्री लिखा है, तो आप 60 लो 40 लो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये बुक में करेक्शन किया है मेरे पास जो बुक है तो 40 लिखा है उसमें, तो मैं 40 के हिसाब से कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बेस साइड बनाएंगे, कितना है 6.5, तो स्केल लेकर हम लोग 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहेंगे, 6.5। अच्छा, इसमें भी आप देख सकते हो पी क्यू माइनस पी आर, लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड, ठीक है, तो सारा फिगर अपर साइड पे बनेगा, लोअर में कुछ नहीं बनेगा। सो 6.5 जीरो से लेकर 0 to 6.5 सेंटीमीटर मैंने एक लाइन बना दी, नाम लिख दिया मैंने क्यू आर। ऑलराइट, क्यू आर है मेरा 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एंगल क्यू दिया 40 डिग्री, मेरी बुक में करेक्शन है, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में 60 है तो आप 60 से बनाओ, मेथड यही रहेगा, ड्रॉ करने के स्टेप्स और मेथड यही रहेगा, नंबर्स जो भी चेंज हो रहा है आप कर सकते हो, डिग्री वगैरह। सो 60 डिग्री, ऑलराइट, मैंने 40 है तो मेरे को 40 लेना है, सॉरी 40 डिग्री, अकॉर्डिंग टू माई बुक करेक्शन 40 डिग्री। नेक्स्ट, 40 डिग्री की मैं एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करूंगा, 40 डिग्री पे एक बड़ा सा रे ड्रॉ करूंगा, एरो डाल देकर, एंगल क्यू है 40 डिग्री। नेक्स्ट क्या दिया है, पी क्यू माइनस पी आर 2.5, पी क्यू माइनस पी आर 2.5, तो मैं पॉइंटर से 2.5 मेजर करूंगा, आई विल मेजर 2.5 ऑन पॉइंटर और फिर मैं आग काटूंगा। सॉरी इट्स नॉट 2, इट्स 2, ये 2.5 है। ऑलराइट, 2.5 मैंने मेजर किया है पॉइंटर पर और मैं क्यू पे रख के एक आग कट करूंगा, जैसी आग कट करने के बाद मुझे ये पॉइंट को आर से ज्वाइन करना है, इसको कुछ भी नेमिंग दे सकता हूँ मैं, सपोज एम। ऑलराइट, अब मैं एम आर ज्वाइन करूँगा, एम आर, ठीक है, एम आर ज्वाइन करने के बाद में एम आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मुझे, यानी मोर देन हाफ लेकर एक आग इस तरफ, ऑलराइट, और एक आग इस तरफ, ठीक है, नीचे आग नहीं कट रहा है, मैंने ज़्यादा ही नीचे ड्रॉ कर लिया, मुझे थोड़ा मिड में ड्रॉ करना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, देखते कटता है क्या, कट रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर एम पे रख के एक आग नीचे इस तरफ और एक आग इधर अपर, ऑलराइट, आर पे रख के आग काटा है मैंने दो, और सेम रखकर मैंने एम पर रखकर दो आग काटे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों पॉइंट मैंने स्पॉट कर दिए हैं और फिर स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मैं जॉइन कर रहा हूँ। सो आफ्टर जॉइनिंग दिस टू पॉइंट, जहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन से इंटरसेक्ट होगी, दैट इज माय पॉइंट पी, वो है मेरा पॉइंट पी, ठीक है, जहां इंटरसेक्शन हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, देखो ये लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जहां पे इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट है पी, पी को आर से ज्वाइन करेंगे, सम कंप्लीट। तो ये थोड़ा बहुत एडिशन की तरह ही है, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पर हमने फर्स्ट सम में हमने सिर्फ परपेंडिकुलर की साइन नहीं डाली, भूल गए, और कॉन्ग्रुएंट का मार्किंग्स, और ये 7.4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझा, फर्स्ट सम सेकेंड सम बोथ सिमिलर है, इजीली कर सकते हो, थर्ड सम थोड़ा सा डिफरेंट है,
क्या डिफरेंट है, लेट्स सी. सो क्वेश्चन थर्ड का मैंने रफ फिगर ड्रॉ किया है. ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें बेस साइड बीसी दिया है 6 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया 100 डिग्री सेल्सियस, और एसी माइनस एबी दिया है 2.5. देखो यहाँ पर राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड दिया है. अभी तक हमने दो सम किए, उसमें ए उसमें लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड दिया था, लेकिन ये वाले सम में राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड दिया, यानी एसी माइनस एबी. तो इसके लिए फिगर का जो ये जो आर्क कटेगा 2.5, वो नीचे कटेगा, ऊपर नहीं कटेगा. तो थोड़ा सा अलग टाइप का सम है, ज़्यादा ध्यान दो. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग बेस ड्रॉ करेंगे, बीसी 6 सेंटीमीटर. सो बीसी बेस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है. तो ये मेरा बेस है बीसी 6 सेंटीमीटर, नाम है बीसी 6 सेंटीमीटर. ठीक है, 6 सेंटीमीटर का मैंने एक बेस ड्रॉ किया. नेक्स्ट एसी माइनस एबी कितना दिया, सॉरी नेक्स्ट एंगल बी कितना दिया, 100 डिग्री. तो हम लोग डी यूज करके 100 डिग्री मेजर करेंगे. सो डी रख के हम लोग बी पर डी रख के 100 डिग्री लेंगे. अभी देखो 100 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल होता है, मोर देन 90. बी पे रख के हम लोग 100 डिग्री लेंगे. 100 यहाँ पे 200 है, एक तो यहाँ 100 है. अगर मैंने ये 100 बनाया तो 80 डिग्री बनेगा, 100 नहीं बनेगा, एक्यूट एंगल. और ऑप्ट्यूस एंगल है 90 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग ये 100 लेंगे, लेफ्ट साइड वाला 100. सो आई टुक 100 डिग्री. फिर मैं बी को इससे ज्वाइन करूँगा और आगे तक एक्सटेंड करूँगा. बी और ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया और आगे तक मेरे को एक्सटेंड करना है, नीचे तक एक्सटेंड करना है. ठीक है, याद रखो मुझे ये नीचे तक एक्सटेंड करना है, नीचे तक एक्सटेंड करना है. क्यों नीचे तक एक्सटेंड करना है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड दिया है. ठीक है, अभी तक जो सम किए थे राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, थर्ड सम में लेफ्ट माइनस राइट दिया, इसके लिए नीचे तक एक्सटेंड होगा. अच्छा, ए सी माइनस ए बी कितना दिया है, 2.5. तो मैं 2.5 मेजर करूंगा ऑन डी, सॉरी ऑन दिस 2.5 मैं पॉइंटर पे मेजर करूंगा. 2.5 मैंने 2.5 मापा और मैं नीचे की तरफ आग काटूंगा. बी पे रख के मैं आग, इस बार मैं आग ऊपर नहीं काटूंगा, आग मैं नीचे की तरफ काटूंगा, नीचे की तरफ. क्यों नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने बताया ए सी माइनस ए बी दिया, इसलिए आग नीचे कटेगा. फिर ये पॉइंट का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सपोज एम, तो एम को सी से ज्वाइन करना है, एम और सी को ज्वाइन करना है. ठीक है, एम और सी ज्वाइन हो गया. उसके बाद एम सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एम सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. खाली इतना ही डिफरेंस है, ये ध्यान दो अगर राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड दिया तो आर्क नीचे कटेगा और फिर जो भी पॉइंट, जो भी लाइन आएगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का मेथड सेम है, मोर देन हाफ पॉइंटर ओपन करना है, एक आग ऊपर की तरफ काटना है, एक नीचे की तरफ काटना है. ठीक है, एक आग ऊपर की तरफ काटी है मैंने और एक आग नीचे की तरफ. फिर नेक्स्ट एम पे रखना है, एक आग ऊपर काटना है और एक आग नीचे की तरफ काटना है. ठीक है, जहाँ पर एक्स मिल रहा है दोनों पॉइंट को स्पॉट करना है और लाइन बनाकर ज्वाइन करना है. सो ये लाइन बनाकर हम लोग इसको जितना हो सकता है एक्सटेंड करके बनाना है. आपको अनजूम करूँ थोड़ा सा ताकि सब दिखाई दे क्लियरली क्या हो रहा है. सो ये मैंने एक्सटेंड किया. ऑलराइट, अभी मेरी अभी तक इंटरसेक्ट नहीं हो रही, दोनों लाइन मेरी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है. ठीक है, तो कहीं कुछ मतलब ये लाइन भी छोटी है, इसको मुझे और एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो ये लाइन को मैं और आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ और फिर ये लाइन को भी आगे तक एक्सटेंड करना होगा इंटरसेक्ट करने के लिए. 100 डिग्री एंगल बहुत ब्रॉड हो जाता है इसके लिए. ऑलराइट, अभी भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, आप देख सकते हो. सो फाइनली यहाँ जाके इंटरसेक्ट हुआ जो मार्जिन में है. तो ये फिगर आप ड्रॉ करते वक्त पेज के मिडल में या नीचे साइड पे ड्रॉ कीजिएगा, पेज के मिडल में. मैंने ऊपर की तरफ बना दिया है तो मार्जिन में सम चला गया है और वो तो थैंक गॉड मैच इंटरसेक्ट हो गया, वरना
फिर से ड्रॉ करना पड़ता। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये है ए, दिस इज माई पॉइंट ए। अभी ए को मुझे सी से ज्वाइन करना है टू गेट माई ट्राइंगल। तो ए और सी ज्वाइन होगा और फिर हमें हमारा आंसर ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है। सो ए एंड सी को हम ज्वाइन करेंगे एंड फाइनली वी गॉट अ ट्राइंगल। ऑल राइट, यहाँ डबल लाइन हो गई है, सिंगल लाइन करता हूँ, थोड़ा सा स्केल शिफ्ट हो गई। सो ए और सी को प्रॉपरली रखकर आपको ज्वाइन करना है। सो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस सम। थर्ड क्वेश्चन, इसमें ये डिफरेंस है कि नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा अगर राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड दिया। तो ऐसा एक और एग्जांपल है, आप कर सकते हो टेक्स्ट बुक में सेकंड एग्जांपल। और फर्स्ट टू क्वेश्चन रिलेट टू फर्स्ट एग्जांपल। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 4.2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, शेयर इट विद ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। अपने वीडियो मतलब ये वीडियो को अपने सिर्फ अपने सारे 9th स्टैंडर्ड दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।